depends on where you live. Creeping in the shadows, eating poisoned apples. She's nothing like you ever seen. Her mood goes up and down and round and round, and ain't no telling what she might do next. 'Cause she's an itty bitty spider with an itty bitty body, and she might just come for you. एक सेकंड स्टीव, इतनी जल्दी में क्यों है भाई? अगर तुझे जोर की लगी है तो नाली में कर ले। अरे नहीं यार, 8 बज चुके हैं और मैं वापस लेट हूँ। लेकिन भाई मेरी तो सिंचन वाली घड़ी के अंदर अभी भी 7 बज रहे हैं। कोई बात नहीं, कल पता है मैंने एक नया जुत्सु सीखा, उसका नाम है टेलीपोर्टेशन जुत्सु। मैं कितनी बार कहा है नारुतो कम देखा कर, अब स्कूल चल। बच्चों जैसे कि आपको पता है, महान थैनोस अपनी सारी की सारी मणियां हासिल कर चुके थे, लेकिन एक मणि को छोड़ के, वो मणि थी नागमणि। क्योंकि जो नागमणि, आई एम कमिंग सर। रुक जाओ, आज तुम फिर से लेट हो। तुम्हें आज किस एवेंजर ने रोक लिया बताओ? सर जी, अल्क दादा की पैंट फट गई थी तो फिर मैं उसे सिल रहा था, तो थोड़ा लेट हो गया। अल्को टेडी भी अच्छा था अपनी पैंट पे। तुम्हें क्लास में एंट्री नहीं मिल सकती, तो अब तुम बाहर जाके अपनी मारवाड़ी अवेंजर ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हमारे मरवाले, सॉरी मारवाड़ी अवेंजर्स, ये है वुल्वरीन। इसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन ये काम का बंदा है। तो ये है थोर, इसके पास कोई हथौड़ा नहीं है, लेकिन इसकी सात विचलास में ही मूंछ और दाढ़ी आई हुई है। ये है हमारा चड्डी बड्डी हल, जिसके पास लिफ्ट खाने की शक्ति है। और ये आयरन बब्बी, अपने एमआई के फोन से टीवी को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि जो नागमणि थी वो एक नागिन के पास थी, जो बहुत अच्छा मटकती थी, लेकिन हमारे थैनोस की उससे फटती थी। अरे मेरे मारवाड़ी एवेंजर्स, कैसे हो? आजकल अंडे सही नहीं आ रहे, सही से दे दो। और मेरे लड़के, बाहर के तो सारे मुर्गे कैसे खड़े कर रखे हैं? बीवी छोटी थी तो बिरयानी बटवाओगे क्या? वैसे तुम्हारी ख्याल के बता दो, तुम्हारी बीवी मेरे पास है, उसे ना बैंगन बहुत, सॉरी बैंगन बढ़ता बहुत पसंद है। अरे पापा, वो बच्चों बहुत ही ज्यादा बहाना बनाते हैं लेट आने पे। और वो मोटा हाथी है, वो मुझसे कह रहा था सर आज तुम नताशा का वर्ड ही बन गया, इसलिए आने में लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी वाइफ भी मेरे पास आने में लेट हो जाती है, वो तो बच्चे हैं। और भाई मरवाले एवेंजर्स, चलो अंदर जाओ, मैंने तुम्हारे सर से बात की ली और यहाँ पे एवेंजर की पढ़ाई की, क्योंकि तुम थानोस के स्कूल में हो। पापा जैसे ही नागमणि लेने जा रहे थे तो नागिन ने आके पापा को पीछे से उठा दिया। पापा बनूंगा मैं एक दिन, पापा बनूंगा मैं। अरे यहाँ पे इतनी ठंडी हवा कैसे आ रही है? अरे मरवाड़ी एंजल्स जल्दी आओ, यहाँ पे तो ये खेल है। अबे मरवाड़ी मरवा रहे हो क्या, जल्दी आओ। हमें पता चला है कि वकांडा के शहर के अंदर जो जंगल है वहाँ पे छेद पा रहा है। उन छेदों के दौरान से काफी सारे अलग अलग प्रकार के जानवर आए जा रहे हैं और कई लोगों को मार भी रहे हैं। अरे ये तो कितना गहरा गड्ढा है। अरे हटो, मैं नापूंगा इस गड्ढे की गहराई। अबे मोटे तमीज है या नहीं, कहीं भी चालू हो जाता पैंट खोल के। अरे अरे अरे, अरे अरे अरे, बचाओ बचाओ, सालों ने बड़ी जल गई हमारा। अबे दे दो। अबे मॉनिटर, वो तेरी मांग रहा है। अबे वो मेरे को भी पता है, लेकिन मांग क्या रहा है? G4 ग्रैंड हैंड दे दो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वैसे ये तुम्हारे गाल पे चोटे कैसे हैं? क्योंकि मैं ज़ॉम्बी हूँ। तो फिर तुमने हमें खाया क्यों नहीं? क्योंकि मेरी भूख बहुत पहले मिट चुकी, हमारा शहर भी बहुत डेवलप्ड हुआ करता था, लेकिन किसी पागल साइंटिस्ट ने यहाँ पे ज़ॉम्बी वायरस फैला दिया और फिर पूरा शहर ज़ॉम्बी बन गया। तो फिर बाकी ज़ॉम्बीज कहाँ गए? मरा रहे हैं, तू भी मरा है। बड़ा ही बदतमीज ज़ॉम्बी है। G4 ग्रैंड हेल्प ले आया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अंकल, यहाँ पे टॉयलेट कहाँ पे है? मेरे को बहुत देर लगी है, कहीं पे भी मोत लो। माय लॉर्ड, ये हमारी मदद कर सकते हैं।
तो फिर चलो बेसमेंट की तरफ। भाई ये लोग अंदर ले जाके हमारी जीत तो नहीं ले लेंगे। अबे तू नीचे तो चल। जान बोल रहा हूँ यार। वैसे अंकल यहाँ पर इतनी सारी जेल क्यों है? यहाँ की जेलों में हम उन्हीं को डालते हैं जो हमारे काम में नहीं आते। तो फिर राज से पर्दा उठाने का वक्त आ चुका है। यही वो मशीन है जिसको तुम्हें चालू करना है, और इस मशीन के जरिए तुम अपने घर भी जा सकते हो। तो तैयार हो जाओ इसे सही करने में। अरे इस मशीन को तुम्हारा टोनी सही कर देगा। टोनी लग जा। तो सारी कैलकुलेशन के बाद ये मशीन बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती। सॉरी। और मेरे को वैसे ही उस जेल में देखना था क्या है। अबे गधे के बच्चे, यहाँ पे एक तार ही तो टूटा है, उसे जोड़ के सही हो जाएगी। अरे वाह, हम लोग घर जा सकते हैं। मैं शीला को सबसे पहले प्रपोज करूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें घर भेज दूंगा? तुम्हें ये लग रहा था कि एक ज़ॉम्बी तुम्हारी मदद करेगा? 100 साल से भूखे हैं हम। इंसान और जानवर का मांस खत्म होने पर ज़ॉम्बीज एक दूसरे को ही खाने लगे, पर अब उन्हें मिलेगा ताजा मांस तुम्हारी दुनिया से।